चले आप बोल के जाओ चलो रेडी। तो जितेंद्र जी आपके मन में क्या ख्याल आया कि अब इस तरह के प्रोग्राम रखे जहाँ पर पत्रकारों के द्वारा इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया और यहाँ पर नेता राजनेता सभी लोग यहाँ पे मौजूद रहे, तो क्या संदेश देना चाहते थे और आप दिवाली से पहले इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन किए? खास करके मैं सबसे पहले हमारे मित्रों को सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और इस प्रोग्राम का हमारा खास उद्देश्य है कि यह एक दिवाली के सम्मेलन के तौर पर प्रोग्राम रखा गया है और साथ में आज से बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ किए जाते हैं खास करके मुंबई उपनगर में, लेकिन एक साथ में राजनेता शासन और मीडिया और साथ में हमारी पब्लिक जनता का हमने सोचा कि इस बार हमारी पत्रकार संघ मिशन पत्रकारिता जो पिछले 3 सालों से मुंबई में काम कर रही है, मुंबई के अलावा हम बांग्लादेश श्रीलंका और भी कहीं बाहर राज्यों में संस्था काम कर रही है, तो हम लोगों ने खास करके प्रोग्राम रखा गया है कि समन्वय चर्चा कि किस तरह से हमें आगे काम करना चाहिए और मुंबई के विकास के लिए खास टॉपिक रखा गया है जिसमें हमें यहाँ के लोकल लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। तो अगर नेताओं की बात की जाए, गेस्ट की बात की जाए, तो कौन कौन यहाँ पे मौजूद रहे और कौन कौन आ गए हैं और कौन कौन और भी आने वाले हैं? नहीं, यहाँ के स्थानीय विधायक सुनील प्रभु जी का आगमन होके गए थे वाकई गए और कृषि पालन में ठाकुर रमेश सिंह जी भी आ रहे हैं और अभिजीत राणा जी का भी आगमन होने वाला कुछ समय में और विद्याधर चौहान जो आमदार हैं यहाँ के विधायक हैं वो भी आके गई और यहाँ के लोकल जितने भी नगर सेवक हैं यहाँ पे सभी आके गए और सभी ने शुभकामनाएं दी पत्रकारों के लिए। यह कार्यक्रम हम निरंतर हर वर्ष आयोजित करते रहेंगे खास करके। अगर कांदिवली ईस्ट की बात करते हैं जब हम, तो वहाँ पे देखा जाता है हर लोगों के जब मुंह पे एक ही बात होती है सुनने में आता है कि जितेंद्र जी जब भी कोई दुखी होता है, किसी को जब प्रॉब्लम होती है तो जितेंद्र जी के पास पहुँचते हैं और वो सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं आपको किसी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं? नहीं, कठिनाइयाँ तो बहुत सारी आती है लेकिन हमारे पास एक सोच है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, हमारे लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, जो काम जिससे कहीं भी नहीं होता भले वो राजनेता रहे नेता रहे कोई भी रहे लेकिन वो काम करने के लिए हम सक्षम हैं, हम उसके लिए जी जान से वो काम करवाने के लिए प्रयत्न करते हैं और करते रहेंगे आगे भी। धन्यवाद।